पीएम मोदी ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, कल भरेंगी पर्चा। हिमाचल प्रदेश 25 जून को कुल्लू में रोड शो करेंगे सीएम केजरीवाल और मान। संजय राउत बोले, हमारे विधायकों का अपहरण किया गया। एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद बागी विधायकों की ग्रुप फोटो आई, लगे शिवसेना जिंदाबाद के नारे। शरद पवार बोले, कड़ा स्टैंड इन द हम संघर्ष के लिए तैयार। शिंदे का उद्धव पर हमला, बोले हमारे लिए 2.5 साल से बंद थे सीएम आवास के दरवाजे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर बनाए गए कुमारी शैलजा और अभिषेक मनु सिंघवी। गुवाहाटी में होटल रेडिशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे टीएमसी नेताओं को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पीएम मोदी ने किया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर का उद्घाटन। नवाब मलिक सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाने की मांग, एससी का याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 238 अंक चढ़ा, निफ्टी 78 पॉइंट ऊपर। कोरोना के आज 13,313 नए केस आए सामने, 38 लोगों की हुई मौत। नेपाल में भूकंप झटके, 4.3 थी तीव्रता। कर्नाटक में शैक्षणिक स्थानों से जुड़े ठिकानों पर आईटी के छापे। यूपी के पीलीभीत में सड़क हादसा, 10 लोगों की हुई मौत। आप नेता संजय सिंह ने पीएम को लिखा पत्र, अग्निपथ स्कीम वापस लेने की रखी अपील। मुंबई आकर बात करो, महाविकास अघाड़ी भी छोड़ देंगे बागी विधायकों से संजय राउत की अपील। ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का किया ऐलान। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।